Hello everyone, as you all know, this is Nihalka Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Organization, and in this video we are going to discuss about this very important topic, that is plant location. यहाँ पे हम प्लांट लोकेशन के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में. सो पेशेंस बना के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको कवर अप कर लिया है तो जितने भी क्वेश्चन आपके इससे बनने वाले हैं आपके पेपर में वो आपको देखने को मिल जाएंगे. यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है, इसके साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हम इसके फैक्टर्स देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं. ठीक है, इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, पूरी देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे. राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले Let's start this video. So now we are starting with the meaning first, that is plant location. Plant location क्या होता है? Plant location, location मतलब समझ में आता है area कि कहाँ पे you know किसी चीज को establish करना है, location क्या है, जगह क्या है. ठीक है, location मतलब वो. Plant का मतलब यहाँ पे पेड़ से नहीं है, है ना. प्लांट का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप ले सकते हैं फैक्ट्री से या बिजनेस से ले सकते हैं कि बिजनेस की लोकेशन क्या होगी, या अगर आपको कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो उसकी लोकेशन क्या होगी. बेसिकली वो होता है आपका प्लांट लोकेशन. सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लांट लोकेशन क्या है. सिंपल यही होता है कि प्लांट लोकेशन रिफर्स टू अ प्लेस और अ रीजन वेयर यू हैव टू सेट योर बिजनेस, अ प्लांट या फैक्ट्री. ठीक है, अब प्लांट लोकेशन को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं या फैक्ट्री को डालना चाह रहे हैं तो उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आइडियल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके ही बेसिस पे आपकी फर्दर चीजें जो है वो डिसाइड होती हैं. ठीक है, तो पेपर में अगर आता है प्लांट लोकेशन तो आप इसको लिख सकते हैं. और इसके बाद अगर हम बात करने वाले हैं इसके कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है प्लांट लोकेशन डिसाइड करना या इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना है. अब आपको पता है, आपने किसी खुद का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना, लाइक आपको कोई कैफे भी डालना है तो आप सोचेंगे कि किस लोकेशन में मैं उस कैफे को डालूं, क्योंकि अगर आपने लोकेशन ही नहीं सही चुनी है तो ना तो वहां पे आपके कस्टमर आ रहे होंगे, ऊपर से आपने ऐसी लोकेशन चूज कर रखी है जहां पे आपका एक्सपेंस इतना ज्यादा आ रहा है, कॉस्ट इतनी ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की हो रही है, मार्केट फैसिलिटीज नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो ये सारी चीजें से क्या आप बिजनेस रन कर पाएंगे, बंद हो जाएगा. तो बंद ना हो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट लोकेशन को बिल्कुल अच्छे से सोच के चले कि कहाँ पे बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है. अगर हम यहाँ पे एक एक करके इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं, पॉइंट्स आप पेपर में क्या लिख सकते हैं, सो उसको हम यहाँ पे शुरू करते हैं. पहला पॉइंट जो यहाँ पे आ जाएगा वो ये आएगा कि प्लांट लोकेशन इन्फ्लुएंस द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस. मींस जो प्लांट लोकेशन होती है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस मींस व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीन डे टू डे एक्सपेंस जो आपके आ रहे हैं. आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो उसमें रोज के कुछ ना कुछ तो खर्चे होते होंगे, तो उनके बढ़ने के चांसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है, उनके घटने के चांसेस को भी प्रभाव डालता है. इसके साथ ही साथ आपके जो कैपिटल कितनी लगेगी, मतलब कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस फैक्ट्री को बिल्डअप करने के लिए, वो चीज क्या करती है, आपकी लोकेशन डिसाइड करती है. लोकेशन अच्छी है, ऐसी जगह पे है जहां पे आपको इतनी कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम आ रही है क्योंकि सारी फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है वहां पे, तो वो चीज आपकी कम आएगी. तो प्लांट लोकेशन इस चीज को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. इंपॉर्टेंस जो है आपकी प्लांट लोकेशन की वो ये है कि लोकेशन डिसीजन आर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म एंड आर नॉन रिपीटिव इन नेचर. मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो आपका प्लांट लोकेशन का डिसीजन आप लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो डिसीजन है वो स्ट्रैटेजिक होते हैं. मतलब आपको एक स्ट्रैटेजी बना के प्लानिंग पूरी करके इसको आपको लेना होता है. ऐसे नहीं कि एक दिन में आपने सोचा हाँ ये लोकेशन डन, यहाँ पे मैं बिजनेस जो है ओपन कर रही हूँ, कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस आई एम गोइंग टू जस्ट स्टार्ट. राइट, सो ऐसा नहीं होता. आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी, आपको देखना होगा, लॉन्ग टर्म एस्टिमेट करना होगा प्रेजेंट की सिचुएशन को रखते हुए कि क्या ये बेनिफिशियल होने वाला या नहीं होने वाला. लॉन्ग टर्म डिसीजन है, मतलब ये नहीं कि आपने आज बिजनेस शुरू किया कल को आप लोकेशन बदल देंगे. नॉन रिपीटिव इन नेचर मतलब अगर आपने बिजनेस सेटअप कर दिया, फैक्ट्री डाल दी, तो वो रिपीटिव इन नेचर है, वो वहीं पे एस्टैब्लिश रहेगी. आपको चेंज करना है तो आप लोकेशन को स्विच कर सकते हैं. ठीक है, और स्विच करने में भी इतना इजी नहीं होता है, आपको फिर पूरा वो बिजनेस बंद करना होगा, सेल आउट करना होगा या बिल्डिंग जो भी हो. राइट, वो बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो ये नॉन रिपीटिव इन नेचर इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंस है ये डिसीजन की इस वजह से. नेक्स्ट जो आता है वहाँ पे ये आता है कि इट फिक्सेस सम ऑफ द फिजिकल फैक्टर ऑफ योर प्लांट लेआउट. जो प्लांट लेआउट है, जो आपकी फैक्ट्री है, जो आपका बिजनेस है, उसके कुछ जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उनको फिक्स कर देता है. लाइक जैसे भी आपने बिजनेस सेटअप किया है तो वहाँ पे वेंटिलेशन जैसा हो पाएगा वैसा ही अरेंजमेंट हो पाएगा, हीटिंग जैसी है वहाँ पे, जैसा एटमोसफियर है वहाँ पे, जैसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पे, जैसी मार्केट है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो फिक्स हो जाते हैं जहाँ पे आपने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया. आप मार्केट नहीं बदलने को चले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितनी आपको लग रही है आपको उतना ही पे करना होगा, हीटिंग वेंटिलेशन जितना
वहां पे आपको कल लगाना पड़ रहा है उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो वो चीजें क्या है यहाँ पे फिक्स हो जाती है, ये नहीं है कि कॉन्स्टेंटली आप उसको चेंज कर रहे हैं या वो चेंज होती जा रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए बहुत सोच समझ के हम डिसीजन को लेते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा तो नहीं आ रही है, ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट मिल ही नहीं रहा है, या वेंटिलेशन प्रॉपर है ही नहीं वहाँ पे, एयर अच्छे से पास हो ही नहीं रही है, लोग वहाँ पे काम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं फिक्स कर दे, जो लोकेशन जैसी होगी वैसी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी, वो फिक्स है, तो ये फिक्स कर देता है। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस डिसीजन को बहुत ही अच्छे तरीके से लें। इसके अलावा जो भी प्लांट लेआउट की फैसिलिटीज़ हैं, जो कि भी उसका प्रॉफिटेबिलिटी है, राइट, इन सारी चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप अच्छी जगह पे हैं, कॉस्ट प्रोडक्शन कम आ रही है, तो प्रॉफिट भी आपके बिजनेस का होगा, ग्रोथ एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है, तो ये आप अपने आप से भी लिख सकते हैं कि क्यों आपके लिए प्लांट लोकेशन डिसीजन लेना बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंस है कि आप अच्छा डिसीजन लें, राइट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स की, सो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद द फैक्टर्स। और फैक्टर्स को मैं ऐसे बोलूंगी कि आप लोग ये खुद लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आपको बिल्कुल क्लिक कर जाएगा कि हाँ मुझे पेपर में इसमें क्या लिखना है। सो पहला आ जाता है यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आप अपनी फैक्ट्री को वहीं डालना चाहेंगे जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल, मतलब जो आपको फिनिश गुड प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए होगा वो इजिली अवेलेबल हो। अगर आपने ऐसी जगह फैक्ट्री डाल दी है जहाँ पे रॉ मटेरियल आपको इजिली अवेलेबल नहीं हो रहा है, या आपको रॉ मटेरियल लाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये फैक्टर क्या करता है, अफेक्ट करता है। आप ऐसी जगह ही डालना चाहेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल क्या हो, अवेलेबल हो। इससे रिलेटेड बाकी और भी पॉइंट आ जाएंगे। आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फैसिलिटीज, ऐसी जगह भी डालना चाहेंगे जहाँ पे वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो, लाइक आपकी कोई इंडस्ट्रीज है, लाइक पेपर इंडस्ट्रीज हो गया, केमिकल इंडस्ट्री होगी, यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऐसी जगह अपनी फैक्ट्री डालना चाहेंगे जहाँ पे वाटर जो है वो इजिली इनके लिए क्या हो, अवेलेबल हो, वो भी वाटर अच्छी क्वालिटी में भी अवेलेबल हो। तो वो सारे टेस्ट करने के बाद ही आप प्लांट लोकेशन को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल होगी आपको वहीं पे आप जाएंगे। किस तरीके का ट्रांसपोर्ट आपके लिए कन्वीनियंट होगा, लाइक आपको रोड ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, रेलवे सस्ता पड़ रहा है, या वाटरवे चल रहा है, तो उस डिसाइडिंग फैक्टर को लेते हुए भी आप क्या करते हैं, प्लांट लोकेशन को डिसाइड करते हैं, ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ना आए, राइट। सो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। ऐसी जगह आप डालना चाहेंगे जहाँ पे मार्केट के करीब हो, लाइक अगर आपने बिजनेस ऐसी जगह एस्टेब्लिश कर दिया एक ऐसी एरिया में जहाँ पे मार्केट ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा है, ना प्रॉफिट होगा, ना ग्रोथ होगी, ना एक्सपेंशन होगा, आपको बिजनेस आगे जाके बंद करना होगा। तो मार्केट एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि, और ये भी होता है कि आप जिस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या वैसी मार्केट वहाँ पे है या नहीं। तो मार्केट में भी आपको डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि जो आपको चाहिए वैसी मार्केट है या नहीं, तो ये भी एक फैक्टर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, फैसिलिटीज फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट जो हो रहा है आपकी फैक्ट्री से, आपने पता है फैक्ट्री से बहुत सारे केमिकल फैक्ट्री से वेस्टेज निकलता है, तो उसके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए होना चाहिए फैसिलिटी। अगर आप एक ऐसी एरिया में कर रहे हैं, लाइक ऑब्वियस आपको पता है फैक्ट्रीज को आप सिटी में नहीं ऐसी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर सकते क्योंकि आप कितना पॉल्यूशन होगा, तो लोगों की लाइफ इंपैक्ट हो, तो ऐसी जगह ही आपको फैक्ट्री डालनी पड़ती है जहाँ पे वेस्ट जो डिस्पोजल फैसिलिटी है वो इजिली क्या हो आपके लिए अवेलेबल हो, ताकि कोई नुकसान भी ना हो एनवायरमेंट को और वो इजिली क्या हो जाए डिस्पोज हो पाए। ऐसा जाता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन और क्लाइमेट कैसा, आपके वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट में फैक्ट्री डालते हैं जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं, तो क्या आपको लगता है एम्प्लॉयज वहाँ पे रुकना चाहेंगे, हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना चाहेंगे, आप खुद भी नहीं करना चाहेंगे, राइट। सो ऐसी जगह आपको लोकेशन देखनी होती है जहाँ पे आपके एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल हो, ऐसा ना कि वहाँ पे सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, साइक्लोन प्रोन कंडीशन है, तो इस तरीके से भी आपको डिसाइड करना होता है अपनी लोकेशन को। लास्ट यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ऑफ लेबर, स्किल लेबर चाहिए, अनस्किल लेबर चाहिए, उसके हिसाब से भी आपको अपनी फैक्ट्री डालनी होती है। ऐसी जगह अगर आपने डाली गांव में, तो आपको पता है वहां पे आपको अनस्किल लेबर इजिली से मिल जाएंगे, सिटी में डाली है तो वहां पे आपको स्किल लेबर अच्छे से मिल जाएंगे। तो लोकेशन इन सारी चीजों को भी डिसाइड करती है कि आप कहां पे यू नो अपना बिजनेस जो है वो या फैक्ट्री जो है वो डालना चाहते हैं। तो ये सारी बात हो गई आपकी फैक्टर्स की। फैक्टर्स में आपको एग्जाम में कुछ ना याद है तो सिंपली आप अपने आप को रख के सारी चीज़ों को सोच सकते हैं कि अगर मैं कहीं डालना चाहूँगी तो मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। ऑब्वियस आपको वाटर चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए होगा, लेबर चाहिए होंगे, तो आप वो खुद भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट आपको याद आ जाएंगे। इंपॉर्टेंस भी आप सोचेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, मैं अगर एस्टैब्लिश करना चाह रही हूँ तो किस चीज़ से मुझे फायदा है, किस चीज़ से मुझे नुकसान है, वही सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंस में लिख देंगे और मीनिंग तो आपको समझ में आ गई होगी, राइट गाइस। सो इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।